हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के फिफ्थ चैप्टर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी डॉट एफ। इसके अंदर हमसे क्या बोला गया, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट ए प्रोग्राम फॉर ए मैच स्टिक गेम बीइंग प्लेड बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर। एक मैच स्टिक गेम के लिए प्रोग्राम बनाना जो खेला जाएगा कंप्यूटर एंड यूजर के बीच में। और योर प्रोग्राम शुड एंश्योर दैट द कंप्यूटर ऑलवेज विन। आपका प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि कंप्यूटर हमेशा जीते। रूल्स फॉर द गेम आर एज फॉलो। उस गेम के रूल्स क्या हैं? देर आर 21 मैच स्टिक्स हैं, 21 मैच स्टिक आपके पास में। कंप्यूटर आस्क द प्लेयर टू पिक 1, 2, 3 और 4 मैच स्टिक। जो यूजर है वो पिक कर सकते हैं या तो 1 या 2 या 3 या 4 मैच स्टिक। और जब पहले पर्सन पिक कर लेगा उसके बाद में कंप्यूटर पिक करेगा, और जो सबसे लास्ट में पिक करेगा वो गेम हार जाएगा। और कंडीशन क्या है कि हमेशा गेम कंप्यूटर ही जीतना चाहिए। तो देखिए हमारे पास में टोटल मैच स्टिक कितनी है, यूजर कैन पिक कर सकता है 1, 2, 3 एंड 4। तो हमें ऐसी कंडीशन बनानी होगी कि कंप्यूटर पिक करे जब भी, तो उसके बाद में कुछ ना कुछ मैच स्टिक बचेगी यूजर के लिए पिक करने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा कि मतलब 4 के अंदर कुछ भी पिक करे वो, तो कुछ ना कुछ बचे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 पिक करी है तो उसको 5 में से जैसे माइनस करते हैं हम 4, तो हमें मतलब मिनिमम अमाउंट छोड़ना है यूजर के पिक करने के लिए। जैसे मान लीजिए उसमें नंबर 6 मैच स्टिक थी, 6 अगर स्टिक हमारे पास में हो, अगर यूजर ने फर्स्ट टाइम हमारे पास में पिक कर लिए 4, अब अगर कंप्यूटर ने पिक कर ली 2 तो हार जाएगा। कंप्यूटर कितना पिक करना पड़ेगा, 1। अगर कंप्यूटर 1 पिक कर लेगा तो रिमेनिंग क्या बचेगी, 1, तो वो यूजर पिक करेगा, कंप्यूटर काम खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर के लिए बचेगा नहीं। तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ रिमेनिंग के अंदर रखना पड़ेगा ताकि यूजर के पिक करने का ऑप्शन हो। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो जितना यूजर पिक कर सकता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैक्सिमम कितना पिक कर सकता है, 4। तो अगर हम इस 4 को उस अमाउंट में से माइनस कर दें कि जिसके बाद में कि मतलब यूजर कम से कम पिक कर ले, अब 4+1 कर देते हैं हम कंप्यूटर को पिक करने के लिए, क्या बोलते हैं कंप्यूटर पिक कितना होगा, 5 माइनस यूजर पिक। यूजर पिक मतलब कि 5 माइनस 4। अब मान लीजिए यूजर ने पिक करा 3, यूजर ने अगर पिक कर लिया 3 तो कंप्यूटर को पिक करने के बाद में इतना अमाउंट बचना चाहिए मैच स्टिक का कि यूजर का टर्न आए। तो 5 माइनस, अगर यहाँ पे भी हम 5 माइनस 4 करेंगे, हर बार अगर कंप्यूटर 1 ही पिक करेगा तो गेम हमारा वो चलता जाएगा, और गेम हमारा उल्टा भी पड़ सकता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए करते हुए जाएंगे लास्ट के अंदर हमारे पास में बच गए 5 मैच स्टिक बची हुई है, वो 5 में से कब यूजर ने तो चूज कर लिया कि मुझे तो 4 पिक करनी है, अब आप लास्ट में कौन सी बची हुई है, कंप्यूटर पिक करेगा। तो हमें इस तरीके से यूजर को मजबूर करना है कि वो अपना पिक करे और कुछ ना कुछ उसे पिक करने के बाद बचेगा। तो ये अमाउंट है कि यूजर जितना पिक कर सकता है उसके अंदर +1 ऐड कर दो, तो वो जितना अमाउंट आ रहा है उसमें से माइनस कर दो यूजर ने जितने पिक करे हैं, तो वो 1, 2, 3, 4 जितना भी करता जाएगा उसके माइनस होता हुआ चला जाएगा, लास्ट के अंदर यूजर ही हमारा हारेगा। जैसे मान लीजिए टोटल मैच स्टिक थी हमारे पास में 21, तो फर्स्ट टाइम पे यूजर पिक करता है मान लीजिए कि 2 पिक करेगा वो, तो रिमेनिंग कितनी बच गए कंप्यूटर के लिए, 4 कंप्यूटर 19 बच गई है। तो अब यहाँ पे नाउ कंप्यूटर पिक करना करे कितना करेगा, हमने बोला 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, मतलब कंप्यूटर 3 पिक करेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 16 फॉर यूजर। अब यूजर ने पिक कर लिया, मान लीजिए यूजर पिक कर देता है यहाँ पे 4, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 16 माइनस 4 ये कितना हो गया, 12 फॉर कंप्यूटर को, कंप्यूटर पिक के लिए। तो नाउ कंप्यूटर कितना पिक करेगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो कंप्यूटर कितना पिक करेगा, 1, तो मतलब 12 माइनस 1 इक्वल टू 11 और यूजर के लिए हो गया। अब यूजर के लिए पिक करने के लिए 11 है, 11 में यूजर पिक कितना कर सकता है, कितना भी कर सकता है, मान लीजिए यहाँ पे कर दिया 3, तो 3 पिक कर लिया है, तो अब यूजर के लिए कंप्यूटर के लिए कितना बच जाएगा, 11 माइनस 3, मतलब कि 8 रिमेनिंग हो गई हमारे पास में कंप्यूटर के लिए पिक करने के लिए अगले स्टेप के अंदर। अब 8 हो गई है तो कंप्यूटर क्या पिक करेगा, हमने बोला था
कंप्यूटर पिक कितना करता है, 5 माइनस यूजर पिक, यूजर पिक कितना है इसके अंदर 3, तो मतलब कंप्यूटर ने पिक करा हमारे पास 2, तो ये हो गया 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो अब ये यूजर के पिक करने हो गया 4 यूजर पिक, यूजर पिक के लिए 6 हो गए, 6 बचे हुए, 6 में से यूजर ने पिक मान लीजिए कि 4 कर लेता है, वो 4 पिक कर लेता है, तो कंप्यूटर के लिए कितने बच जाएंगे, 6 माइनस 4 बराबर 2 और कंप्यूटर पिक। अब कंप्यूटर ने पिक कर लिया है तो 6 में से 4 चला गया है, तो अब कंप्यूटर पिक करेगा, तो नाउ कंप्यूटर पिक कितना करेगा, फाइव माइनस 4 मतलब कि एक पिक करेगा, तो यहां पे क्या करा हमने 2 माइनस 1। अब ये करने के बाद में फॉर यूजर के लिए कितना बच गया, 1। तो मतलब किसी भी तरीके से करेंगे तो लास्ट के अंदर यूजर के लिए पिक करने के लिए कुछ ना कुछ बचेगा, तो हमें इस तरीके से कंडीशन इसको रखनी पड़ेगी। तो अभी हम प्रोग्राम के अंदर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड ponio.h, void main। देखिए अभी जैसे हमने पीछे एग्जांपल करा तो उसके अंदर हमने यूज क्या करा है, तो ये तो यूजर का पिक था, एक कंप्यूटर का पिक था, टोटल मैच स्टिक थी, मैच स्टिक को हम काउंट कर रहे थे, तो एक तो ये हो गया इंट स्टिक कितनी है, यूजर ने क्या पिक करा है और कंप्यूटर ने क्या पिक करा है। अब हमारे पास जो स्टिक है वो तो है 21, ये हमारा फिक्स हो गया कि लूप कितने बार चलेगा। क्लियर स्क्रीन यूज करते हैं कंप्यूटर की जो भी स्क्रीन है उसको क्लियर करने के लिए। अब देखिए ये प्रोग्राम चलेगा कब तक, जब तक वाइल लूप के अंदर हम इसको एक्सेस करेंगे, क्योंकि एक ही प्रोग्राम को टास्क को हमको बार बार रिपीट करना है, यूजर से इनपुट लेना है, कंप्यूटर क्या पिक करना है वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टिक कितनी है उसको चलाना है, तो स्टिक की वैल्यू जब तक 0 से ऊपर है तब तक ये लूप चलता रहेगा। इसके अंदर कई सारी कंडीशन हो सकती है जिसको हम यूज करेंगे। देखिए यूजर की हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, ये इज ग्रेटर देन 0 क्यों रखा है, क्योंकि जैसे 0 आ गया तो मतलब पिक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो मतलब कोई ना कोई तो हार चुका है, कोई ना कोई जीत चुका है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास पहली कंडीशन है कि यूजर 1 से लेके 4 तक ही पिक कर सकता है, मतलब इफ यूजर अगर 1 से कम पिक करता है तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड पिक, और प्रोग्राम वापस लूप में चला जाएगा, भाई कुछ ना कुछ पिक करो। अगर यूजर ने 4 से ज्यादा पिक कर लिया है तो भी प्रिंटर इनवैलिड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 से ज्यादा भी वो नहीं कर सकता। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब जाकर के ये कंडीशन ठीक होगी और जो भी प्रोग्राम करना होगा वो इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा हमारा। अब यूजर ने क्या पिक करा है ये हमें कैसे पता लगेगा, तो सबसे पहले यूजर से हम पिक ले लेते हैं, इंटर एंटर एनी नंबर अमोंग 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी नंबर की आप एंट्री करो, ये हम एंट्री ले लेते हैं स्कैनर के अंदर, परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि क्या वैल्यू हम इनपुट में ले रहे हैं उसका टाइप डिफाइन करता है। ये यूजर ने क्या करना था कि हमने इनपुट के अंदर ले लिया है, ठीक है, इसको हम न्यू लाइन कैरेक्टर में दे देते हैं ताकि बिल्कुल सब कुछ क्लियर क्लियर चलता रहेगा। अब यूजर ने क्या करा है क्या नहीं करा यहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब यूजर ने जितने भी पिक कर लिया है वो मैच स्टिक उसमें से कम हो जाएंगी, तो स्टिक जितनी भी थी यूजर ने जो पिक कर ली है तो कंप्यूटर का पिक करने के लिए जो बचेगी वो हमको इसमें से माइनस करनी पड़ जाएंगी, ये हमने इसको माइनस कर लिया है। तो देखिए प्रोग्राम हम पूरा क्लियर क्लियर करते हैं ताकि हमको क्लियर रहे, स्टिक अवेलेबल फॉर कंप्यूटर पिक, कंप्यूटर का पिक करने के लिए कितनी बची हुई है, जितनी हमारे पास स्टिक अवेलेबल है, ठीक है। ये देखिए वाइल लूप चल रहा है, इसके बाद में एक और गैच लगा देते हैं, स्क्रीन को होल्ड करेंगे हम, एक एक प्रोग्राम को चेक करते हुए चलेंगे और क्लियर स्क्रीन कर देंगे बाद में, ताकि वापस से ना आ जाए कि अवेलेबल कितनी है, स्टिक अवेलेबल फॉर कंप्यूटर पिक कितनी है, कितनी, ठीक है।
अब कंप्यूटर ने जो पिक कर ली है वो कितनी है, कंप्यूटर पिक, कंप्यूटर ने क्या पिक करी है कि जो 5 है उसमें से यूजर की जो वैल्यू थी उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हम लिख देते प्रिंट एफ कंप्यूटर पिक, कंप्यूटर ने क्या पिक करा है वो हम यहां डिफाइन कर रहे हैं, डिस्प्ले में दे देंगे। ये कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर के पिक करने के बाद में स्टिक कितनी बची हुई है वो हम यहां पे लिख देते हैं, स्टिक इक्वल टू स्टिक माइनस कंप्यूटर। ठीक है, अब इसको हम रन करा करके चेक कर लेते हैं कि अब इसके बाद में कितनी हमारी बची हुई है वो हम यहाँ पे वापस से प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट एफ इस पंप सबसे ऊपर ही ऊपर करवा देते हैं। अवेलेबल स्टिक, ये हो गया स्टिक। देखिए इसके अंदर हम, इस प्रोग्राम के अंदर हम लूप के ऊपर भी काम कर रहे हैं, इफ एल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर भी काम करेंगे। अभी देखिए, अभी तो हम इसको केवल रन करा देते हैं, हारेगा कौन जीतेगा कौन ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। इसी प्रोग्राम को हम रन करा करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो अवेलेबल कितनी है, 21 यूजर्स इनपुट मांग रहे हैं 1 2 3 4 में से, तो मान लीजिए हमें दे दिया यहाँ पे 3, तो बच गई स्टिक अवेलेबल। को कंप्यूटर पिक कितनी बची है 18, और कंप्यूटर ने पिक क्या करा है 2, क्यों, क्योंकि 5 - 3 = 2, मतलब कंप्यूटर पिक करा है 2। अब देखिए अवेलेबल स्टिक कितनी हो गई 16, अब 1 2 3 4 में से हमको पिक करना है, अब हमने पिक कर लिया 4, तो कंप्यूटर ने पिक करा 1, कितने, क्योंकि 5 - 4 = 1। अब पिक करने के लिए कितनी बची 11, 11 में से हमने पिक कर ली 3, तो ये हो गया 2। देखिए स्टिक अवेलेबल फॉर कंप्यूटर पिक 2 थी, कंप्यूटर पिक कर ली 1। अब इसको हम आगे चलेंगे, अवेलेबल स्टिक कितनी है 1 है, और एंटर एनी नंबर 1 2 3 4 में से कोई भी नंबर, हमने जैसे 4 डाल दिया, तो स्टिक अवेलेबल फॉर कंप्यूटर पिक 3 नहीं है, -3 आया, तो मतलब हमें कंडीशन चेक करनी है कि नेगेटिव के अंदर वैल्यू नहीं जानी चाहिए, तो क्योंकि कंप्यूटर तो पिक 5 - 1 करके करेगा, 5 - 4 करके तो 1 पिक करेगा, तो कंडीशन है, लेकिन हमारे पास स्टिक अवेलेबल ही नहीं बची, तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन में चले जाते हैं, ये तो हम चले गए हैं यहाँ पे कि 5 - यूजर तो इसने कर दिया, इफ कंप्यूटर इज ग्रेटर देन 0, कि कंप्यूटर को पिक करने के लिए जो बची हुई है आइटम वो, कंप्यूटर तो पिक कर रहा है यहाँ पे, कि जो स्टिक बची हुई है स्टिक कंप्यूटर के लिए, तो ये है कि नहीं है, इफ स्टिक इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास में ये काम करेगा कि कंप्यूटर ने कुछ पिक करा है। इसको हम यहां से कट कर देते हैं, ये हमने यहां कट कर दिया, उसको यहां पे हम स्विफ्ट इंसर्ट कर देंगे, कंप्यूटर कंप्यूटर माइनस ये नहीं, यूजर ने जब करवा दिया तो स्टिक हमारे पास में कितनी बच गई है वो हमने यहां पे चेक कर लिया, तो कंप्यूटर यूजर हमारे पास में नेगेटिव में आ रही थी, यहां पे स्टिक अवेलेबल कि स्टिक की वैल्यू 0 से ऊपर है कि नहीं है, तो हमें ये कंडीशन ऊपर ही चेक करनी पड़ेगी। ये हमने यहां से कट करा, ये हमने यहां पेस्ट कर दिया, कंप्यूटर के लिए कितनी स्टिक अवेलेबल बता रहा है, और इसको यहां से हमने कट करा, ये हमने यहां इसको पेस्ट कर दिया है कि कंप्यूटर ने जब पिक करी है उसके बाद में कुछ अवेलेबल हुआ है कि नहीं है। अगर 0 से ऊपर है तब तो हम यह मानेंगे कि भाई कंप्यूटर ने कुछ
पिक करा है, अदरवाइज हम उसको नहीं मानेंगे क्योंकि अवेलेबिलिटी में से तो पिक करेगा, अदरवाइज पिक किस में से करेगा वो। ठीक है, अब ये करने के बाद देखिए हमने सारा कुछ चेक कर लिया है। अब लास्ट के अंदर जब हमारे पास में इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा तो उस टाइम पे अगर किस यूजर की वैल्यू, देखिए यहाँ कंप्यूटर आ गया है, कंप्यूटर की वैल्यू क्या थी और यहाँ यूजर की वैल्यू आ गई है, और हमने यहाँ चेक करा कि स्टिक की वैल्यू अगर जीरो से ऊपर है तब तक काम करता रहेगा, तो लास्ट में जिसने भी पिक करी होगी उसकी वैल्यू जीरो से ऊपर होगी। जीरो से ऊपर होगी तो हम यहाँ चेक कर लेंगे इफ यूजर इज ग्रेटर देन जीरो प्रिंट एफ यूजर विन। अगर कंप्यूटर की वैल्यू जीरो से बड़ी रह गई तो प्रिंट एफ कंप्यूटर विन, ये हो गया। इसके अंदर जैसे हम काम करते हैं इनिशियली तो सबसे पहले यहां पे यूजर की वैल्यू को हम कर देंगे जीरो, क्यों, क्योंकि लूप से बाहर निकलने के बाद हम वापस से चेक करेंगे कि वैल्यूज क्या है, तो हर बार लूप जब भी स्टार्ट हो रहा है लूप का एग्जीक्यूशन होगा तो हम हमेशा इनकी वैल्यूज को जीरो जीरो कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इसको हम रन करा लेते हैं। इसकी मान लीजिए हमने थ्री लिया, इसने स्टार्टिंग में कंप्यूटर विन, ये बाहर कैसे चला गया, ओके हमने स्टेटमेंट गलत एंट्री कर दी है। देखिए हमें उस लूप से बाहर प्रिंट करना था जी टी सी एच, ये हमने इसके अंदर ही कर दिया है इसलिए हमारे लूप के बार बार आता जा रहा है, तो इस सब कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक कट आके ये यहाँ पेस्ट हो गया है। अवेलेबल टॉपिक इनवैलिड पैक आ गया है, एंटर एनी वैल्यू एफ टू। अब इसको देखिए हम रन कराते हैं, तो सबसे पहले हमने पिक कर लिया थ्री यूजर ने, तो स्टिक अवेलेबल फॉर पिक 18 है, कंप्यूटर ने पिक करा टू क्योंकि 5-3 इक्वल टू 2 हो गया। अब 16 अवेलेबल है, अब कंप्यूटर हमने इसको बोला कि 4 इसने पिक कर लिया, अब बच के हमारे पास में 11, कंप्यूटर ने पिक करा 1 क्योंकि 5-4 इक्वल टू 1, ये कंप्यूटर ने 1 पिक करा है। अब हमने बोला कि 2 पिक कर लिया इसने, तो कंप्यूटर ने पिक करा 3 क्यों, 5-2 इक्वल टू 3, आगे बच के हमारे पास 6 में से मान लीजिए 3 पिक कर रहे हैं, तो स्टिक अवेलेबल 3, कंप्यूटर ने पिक कर लिया कितना 2, कंप्यूटर ने जब 2 पिक कर लिया है तो अब स्टिक अवेलेबल कितने रह गए 3-2 मतलब कि 1, तो 1 ही पिक करेगा। स्टिक अवेलेबल को कंप्यूटर पिक 0, इससे बाहर निकल गया यूजर विन कंप्यूटर विन, ये वापस से कुछ इसने गड़बड़ कर रखी है, इसको वापस से चेक कर लेते हैं। यूजर की वैल्यू ग्रेटर देन है तो यूजर हो जाएगा, कंप्यूटर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है तो ये चला जाएगा, ओके ये इसलिए नहीं गया क्यों, क्योंकि यहां पर तो इसने चेक नहीं करने दिया लास्ट में कि उसने जब 1 प्रिंट कर लिया है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये नहीं होता यहाँ कंप्यूटर कर देता है कि भैया 0, कंप्यूटर के तो पिक करने के लिए कुछ बचा हुआ ही नहीं था। वापस रन करा के चेक कर लेते हैं, 3, 4 अवेलेबल 1 है तो हमने तो 4 कर दिया, स्टिक अवेलेबल फॉर कंप्यूटर पिक 3 यूजर विन। अब हमें यहाँ पे एक चीज और चेक करनी है कि जब हमारे पास में अवेलेबिलिटी ही नहीं है 1 की तो ये और चेक कर लेंगे यहाँ पे एल्स इफ, पूरा प्रोग्राम हमारा प्रॉपर हो जाए, एल्स इफ
यूजर इज ग्रेटर देन स्टिक तो हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड पिक। इस प्रोग्राम को हम बहुत इससे भी बेटर तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अब हमें लॉजिक बिल्डिंग कैसे करनी है अगर सीखना है तो हमें सारा हिट एंड ट्रायल करके ही चेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं वो प्रोग्राम अगर आपको लिख के दे दूंगा जो कि बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि एरर्स कैसे आती हैं, लॉजिक्स कैसे बनते हैं। अगर हम सीधा सीधा बता देंगे, अभी तो मैंने इसके अंदर केवल एक सिंपल सी बताई कि 5 माइनस करना है, उसके अंदर भी आप सोचेंगे 5 माइनस कहां से आ गया। तो इस तरह से हमें ट्राई कर करके ही चेक करना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं और लॉजिक भी कैसे होगा, आउटपुट कैसे आते हैं। देखिए अवेलेबल स्टिक 1 है, हमने लिख दिया 4, तो इनसे बोल दिया इनवैलिड पैक, इनवैलिड पिक, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1, तो लास्ट के अंदर कंप्यूटर के लिए पिक करने के लिए बच गया 0 और यूजर हमेशा जीत गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्राम को हम इतना बड़ा करके लिख सकते हैं, इतने इफ एल्स लगा करके कर सकते हैं, हम इसको बहुत सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि एक बार जब सीख लेंगे इसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि जितने प्रोग्राम हमने गोलमोल करके बनाए हैं उनको लास्ट में बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे, ताकि आपको पता लगेगा कि लॉजिक कैसे स्मूथली बन जाते हैं। ये हमने तरीका आपको बताया है कि लॉजिक्स बनते कैसे हैं, सब कुछ हीट एंड ट्रायल से आप समझते हुए जाएंगे जब भी कुछ करेंगे। जब बच्चा पहली बार कैलकुलेशन करता है एडिशन, तो उसको सब कुछ नहीं आ जाता, उसको जैसे जैसे बताया जाता है ना स्टेप बाय स्टेप, जैसे करो ये करो ये करो, वैसे ही हमने इस प्रोग्राम के अंदर करने की ट्राई करिए, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू।